हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। तो आज मेरे पास आप सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। बका इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसामा कलार के रिलेटेड। रिसेंटली अलीम खान नामी एक शख्स का दावा है उसामा कलार ने उनके साथ लाखों का स्कैम किया है। अलीम ने उसामा कलार के अगेंस्ट पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उसामा कलार को उन्होंने डिफरेंट पॉडकास्ट वगैरह में देखा था, जैसे कि गंजी सुएग और दूसरी पॉडकास्ट वगैरह में। उसके बाद उन्होंने उसामा कलार से बातचीत की और उसामा कलार ने जो है उन्हें $11,000 की इन्वेस्टमेंट का कहा, जो कि अलीम खान ने उसामा कलार को मेंटोर समझते हुए कर दी। उसके बाद उसामा कलार ने उन्हें कुछ ये कहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उसामा अली कलर और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ 6 अप्रैल 6:30 बज रहे हैं तकरीबन सुबह के। और अलीम खान जो है फ्रॉम मुल्तान, उनसे मैं $10,000 ले रहा हूँ पेनियोर के अंदर अपने, और उसके अगेंस्ट वो है कि मैं उनको एक इन्वेस्टमेंट करूँगा क्रिप्टो के अंदर, ट्रेडिंग करूँगा और जो प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 स्प्लिट करेंगे। आज 6 अप्रैल 2023 बोल गया था सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक महीने तक वो अमाउंट मेरे पास रहेगी। एक महीने के बाद अगर वो चाहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, वरना जो भी होगा प्रॉफिट वो स्प्लिट करके हम डिवाइड कर लेंगे। फिर ये सीन तो यहाँ तक सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद उसामा कलार जो है वो उनकी पेमेंट्स में डिले करते गए। उन्होंने जो अमाउंट रिटर्न करने का वादा किया था वो अभी तकरीबन 7 मंथ हो चुके हैं और उनकी तरफ से पे नहीं की गई। और अभी तक उसामा कलार ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 लाख दिए हैं, जबकि 33 लाख की रिमेनिंग अमाउंट जो है उसामा कलार ने अभी इन्हें वापस करनी है। और इसी सारे सीन के दरमियान उसामा कलार जो है वो उन्हें चेक वगैरह भी दे चुके हैं, जो कि 2 दफा बाउंस हो चुका है। और इसके अलावा उसामा कलार ने जो है वो उन्हें पेमेंट रिसीव वगैरह भी कुछ दिखाई, मैंने अपनी तरफ से आपको पेमेंट कर दी, आपको रिसीव नहीं हुई, जो कि अलीम खान ने कंफर्म करने के बाद बताया कि वो सारे भी स्क्रीनशॉट फेक्स थे। और मुझे न्यूज जस्ट ऑनलाइन मिली तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। अगर उसामा कलार अब लोगों के साथ ऐसे स्कैम वगैरह कर रहे हैं या आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो चुका है जैसा कि अलीम के साथ हुआ है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। आपको अगर कोई मजीद कंफर्मेशन है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार थोड़ा बहुत क्रिकेट के रिलेटेड बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच का डे 2 था और डे 2 में पाकिस्तान की शुरुआत जो है वो काफी अच्छी रहती है। पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को 487 पे ऑल आउट कर देती है, जिसमें आमिर जमाल जो है वो 6 विकेट्स लेते हैं। इसके लिए उनको अप्रिशिएट करना तो खैर बनता है। यार इसके अलावा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग आती है तो पाकिस्तानी टीम की इंटेंट जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आती। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो प्रॉपर टेस्ट की तरह मैच खेल रही होती है, और टेस्ट नहीं सुपर टेस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो 53 ओवर्स में 132 स्कोर कर सकी है। और यार इंटेंट जो है वो आज के मैच में सिर्फ शान मसूद की तरफ से दिखाई गई, तो उसके लिए उनको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना तो बनता है। फिर आपका आज के डे के ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और यार बात अगर क्रिकेट के रिलेटेड चली रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली अहमद शहजाद ने PSL से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और अब से वो हमें PSL में कभी भी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और यार PSL से रिटायरमेंट जो है वो उन्होंने PSL के ड्राफ्ट में पिक ना होने की वजह से की है। इसके रिलेटेड उन्होंने कुछ टेक्स्ट वगैरह भी शेयर किया था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने तकरीबन यही लिखा हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए डोमेस्टिक के मैचेस खेले और इंटरनेशनल लीग्स वगैरह को पेशी वगैरह को छोड़ा, इसका उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये सिला मिला है। और यार वो मजीद जो बातें लिखते हैं वो भी आप लोग स्क्रीन पर पढ़ ही सकते हैं। और आप लोगों का अहमद शहजाद की इस रिटायरमेंट के ऊपर क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। क्या बात अगर क्रिकेट की चली रही है तो रिसेंटली हसन अली की कुछ वीडियोस वगैरह काफी ज्यादा वायरल चल रही है। इसमें हसन अली जो है वो बेयरफुट सेरेमनी में है, डांसर्स वगैरह के साथ डांस वगैरह कर रहे होते हैं। हसन अली तो कुछ अलग ही कैरेक्टर है। फिर उनकी डांस वगैरह की जो वायरल पिक्स जा रही है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। परफॉर्मेंस होवे ना होवे डांस लाजमी है। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो पुनीत सुपरस्टार के रिलेटेड है। रिसेंटली पुनीत सुपरस्टार ने उर्फी जावेद को प्रपोज कर दिया और पुनीत सुपरस्टार कहते हैं वो उर्फी जावेद से शादी करना चाहते हैं। पुनीत क्या वीडियो शेयर करते हैं मैं आप लोगों को पहले तो वो दिखा देता हूँ। उर्फी यार मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उर्फी जावेद मैं आपको बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और यार मुझे आप जैसी लड़की की तलाश थी। प्लीज यार आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो यार, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ यार प्लीज। सर सोचो अगर पुनीत और उर्फी की शादी हो जाए तो क्या ही कपल हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो मोहम्मद इस्माइल के रिलेटेड है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहम्मद इस्माइल जो है वो हो चुके हैं। इसके रिलेटेड जो डिटेल्स वगैरह थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी थी। तो रिसेंटली उनकी पेज पे एक पोस्ट शेयर की गई, इसमें मोहम्मद इस्माइल जो है वो खुद बात कर रहे होते हैं पंजाब पुलिस ने उन्हें अगवाकारों से छुड़वा दिया। और यार वो कहते हैं कि इनकी फैमिली ने तकरीबन 15 करोड़ पे किए हैं उन लोगों को जिन्होंने इनको अगवा किया था। और वो पंजाब पुलिस से दरख्वास्त भी करते हैं इनके जो पैसे गए हैं वो भी रिकवर कराए जाएं। तो वो क्या कहते हैं आप लोग वो भी देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस ने मुझे कल रात ऑपरेशन करके रिकवर कराया। मैं 16 नवंबर 2023 को मुझे अगवा किया गया बैरियर टाउन से, उसके बाद डिफरेंट जगहों पे रखा गया। 25 करोड़ रुपए टोटल जो है वो पैसे मांगे गए। इसमें मेरी फैमिली ने जो है 15 करोड़ रुपया कैश इनको
कोहाट में एक जगह है बिलीटंग, वहाँ पर पे भी किया। और उसके बाद अभी बाकी पैसे रहते थे वो मेरे घर वाले पैसों की अरेंजमेंट्स कर रहे थे, और इस दौरान वो रब्ता भी नहीं कर रहे थे पीछे। तो पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मेरी लोकेशन या जो भी उन अपने तकनीकी उसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब कराया, जैसे इदारे ने मुझे उन जालमों के चुंगल से आज़ाद कराया, इसी तरह मैं दोबारा पुरजोर अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब और आई जी पंजाब और जितनी टीम जो मेरा केस देख रही है कि मेरे पैसे भी बाजियाब कराए जाएँ, इनसे लिए जाएँ और इनको पकड़ा जाए, और जहाँ तक मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ पंजाब पुलिस के साथ और पंजाब पुलिस मेरे साथ खड़ी है। और अब इनकी वीडियो देखने के बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये सारा सीन जो है वो ड्रामा था और ये सारा जो है उन्होंने फेम के लिए सीन किया था। अगर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए हम मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो बिलाल मुनीर के रिलेटेड है। क्या बिलाल मुनीर ने शाहिद अनवर और आजाद चाय वाले जैसे क्रिएटर्स को पोक किया है? क्योंकि रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो शेयर की जिसमें वो इन्फ्लुएंसर्स के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, जो कि ऐसा कहते हैं कि मैं जो है वो आपके पैसे बनवाना चाहता हूं, और ऐसा कहकर कोर्स वगैरह सेल करते हैं। जैसे कि बिलाल क्या कहते हैं आप लोग ये वीडियो देख लें। यार वो सारे दोस्त जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उन सबको एक मशवरा मैंने देना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से जो पैसा कमाया है वो मैंने यहीं से सीखा है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये है कि किसी भी गुरु किसी भी वेबसाइट या किसी भी बंदे के पीछे मत लगो जो आपको कहता है कि भाई मैं तो पैसा बना रहा हूँ लेकिन मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मैं एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, जिस बंदे को पैसा बनाना आता है ना उसके पास टाइम नहीं है कि वो 2500 रुपये का कोर्स बेचे। तो फ्री कोर्सेज आर एज गुड एज समवन जो कि आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है या आपको कह रहा है कि मैंने तो इतने की सेल कर दी या मैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इतना बना रहा हूँ। जो पैसे बना रहा है ना आप यकीन करो उसके पास टाइम नहीं है कि वो सिखाए। जो सिखा रहा है वो या तो वो है जिसने पहले पैसे बनाए थे अब नहीं बन रहे तो वो सिखाने आया है। इसीलिए अगर आप यूट्यूब पर देखो तो हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब ज़्यादातर वो चैनल सिखा रहे हैं जिनका अपना चैनल नहीं चल रहा। तो सर मुझे तो एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रिप्लाई लग रहा है इन्हीं क्रिएटर्स को। अगर आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो रिसेंटली रजा सम्मू ने कुछ लोगों से तंग आकर एक पोस्ट शेयर की जो कि उनको कह रहे होते हैं कि आप जो है वो हमें भी यूट्यूब के बारे में कुछ बता दें। जी आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और मुझे कहते हैं कैसे करें बताओ क्या करें ये करें वो करें। भाई मेरी आज मेरी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो। भाई छोड़ दो ये काम नहीं होगा तुमसे ना हो पाएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार बहुत गंदा कंटेंट बन रहा है। देखो आप गंदी बिरयानी बना रहे हो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग खाएंगे भी और तारीफ भी करेंगे। भाई ये नहीं हो सकता। एवरेज का कोई सीन नहीं है। अगर एवरेज चीज़ें बनाते रहोगे तुम तुषार कपूर बन जाओगे यूट्यूब के, तुम्हारा कुछ नहीं होना जब तक तुम्हें एक्स फैक्टर नहीं है तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ। और यार कम्युनिकेशन स्किल पे जो है ना पहले सीखो तो सही। अगर तुम 10 लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं कर सकते हो यूट्यूब छोड़ दो भाई सीन ही नहीं है ना। लाखों लोग कैसे तुम्हें सुनेंगे जब तुम्हारे घर वाले नहीं सुन रहे तुम्हारी। पहले उस पे तो काम करो। अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।